हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही है कि नहीं? तो बच्चों, हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के अगले वीडियो में आ गए हैं। आपको काफ़ी इंतजार था वीडियो का, तो खैर मैंने कहता बताया था हफ्ते में एक दो तीन वीडियो तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो आज उसका नंबर आ गया बच्चों, ठीक है? मतलब सीरियल वाइज करता हूँ जिससे हर बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो। ये दिमाग में रहता है मेरे, हर बच्चे को मतलब अपने सिलेबस की चीज़ें मिल जाएं। तो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के वीडियो पर आ गए, और आज हम लोग उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। एक्चुअली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है वो डेवलप ही इसी क्वेश्चन की वजह से किया गया। आप देखिए, जब मैंने आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सबसे पहला वीडियो बताया था, तो वहां पर मैं स्टार्टिंग ही इस वीडियो से मतलब इसी थ्योरम से मैंने की थी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की आखिर जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो आज समय आ गया है, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है टू फाइंड कर्व ऑफ लीस्ट आर्क लेंथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। टू फाइंड द कर्व ऑफ लीस्ट आर्क लेंथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन को ले रहे हैं, ध्यान रखना। देखो मतलब जैसे ये है बच्चों, यहां पर ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे आज। देखो कैसे, मान लो मैंने यहां पर ये कर्व ले लिया, और ये कर्व एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, और दूसरा पॉइंट है एक्स वन वाई वन। ये दो पॉइंट है। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें तो जो सबसे छोटी लेंथ का कर्व होगा वो आखिर क्या होगा, और हमें लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसी बात को हमें प्रूफ करना है हमारे एग्जाम में। देखो बेटा, ये सब प्रूफ करने को आएंगी चीजें, ठीक है? इसको अगर हम ज्वाइन करें आपस में बच्चों, तो मतलब बहुत सारे कर्व बन सकते हैं, तो इनमें से सबसे छोटा जो कर्व होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही बात हमको यहां पर प्रूफ करनी है कि भाई इनको ज्वाइन करने पर जो सबसे कम लेंथ का कर्व आएगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही बात हमको यहां प्रूफ करनी है। तो देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, समझो। देखो क्या होता है बच्चों, मान लो एक पॉइंट ये है एक्स नॉट वाई नॉट, और एक पॉइंट ये है एक्स वन वाई वन। इनको हमने ज्वाइन किया। अब देखो, अगर हम इनको ज्वाइन करने वाला एक आर्क लेंथ निकालें, देखो आर्क की लेंथ क्या होता है, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला बच्चों होता है एक्स नॉट टू एक्स वन इंटीग्रल डीएस। जैसे कि मान लो अगर हमें दो पॉइंट दिए जाए, तो उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का आर्क लेंथ का ये फार्मूला होता है। आपने बीएससी पार्ट वन में ये फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको ध्यान रखो, ये फार्मूला होता है आर्क की लेंथ का। देखो अब क्या करते हैं, इस फार्मूले को देखो थोड़ा चेंज कर देते हैं एक्स नॉट से एक्स वन, और इसको लिख देते हैं डी एस बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स। ऐसा बच्चों यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इस फार्मूले को चेंज कर देते हैं। आप देखो क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम डी एस बाई डी एक्स की ये वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर हम लोग इसकी लिखते हैं, है ना? ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये सब याद रखो बेटा, बेसिक बातें हैं, ठीक है? अब देखो इसकी वैल्यू यहां हम लिखेंगे एक्स नॉट से एक्स वन, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, तो क्या होगा अंडर रूट वन प्लस डी वाई वाई डी एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ये मतलब वही अपना वाई डैश हो गया, ये वही वाई डैश हो गया ना, तो क्या हो गया इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन अंडर रूट वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर और डी एक्स। देखो अब हम चाहते हैं ये जो हमारी आर्क लेंथ है ये मिनिमम हो जाए, आर्क लेंथ हमारी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो देखो ये वही फंक्शन आ गया, क्या एफ वाई वाई डैश वाला फंक्शन आ गया, एफ ऑफ एक्स, है ना, फंक्शनल जिसे हम कहते हैं, ये वही टर्म आ गया। तो अब हम इस टाइप की चीजों को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन को अगर मिनिमाइज करना जो इंटीग्रेशन के अंदर है,
और हमें उनको मिनिमाइज करने के लिए अपना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में इन चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या बताया था, यूलर्स ने अपनी एक नेसेसरी कंडीशन दी है कि भाई ये कंडीशन नेसेसरी है, अगर आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो ये नेसेसरी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका था, है ना। तो बेटा स्टार्टिंग से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के वीडियो देखिए, बहुत वीडियो नहीं गए हैं, शायद चौथा या पांचवा वीडियो है ये मेरा जो जा रहा है आज, इसके पहले देख लीजिए, अपना प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो देख लीजिए। ये इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आपको समझ में आएगा और ये नेट एग्जाम में आता है और आपके एमएससी के कोर्स वगैरह में भी होगा, ठीक है ना। तो खैर चलिए, तो ये हम अब मिनिमाइज करना चाहते हैं इस टर्म को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अच्छा लिखो जरा यहाँ तक पहले बच्चों, तो मेरा काम बच्चों है इसको मिनिमाइज करना, तो इसके लिए हम यूलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। देखो मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों ये मेरे पास टर्म आया, ठीक है। अब हमें इसको करना है बच्चों मिनिमाइज। तो देखो अब ये जो हमारा बेटा है F हो गया, इसके अंदर की चीज को क्या बोलते हैं, F कहते हैं। तो ये हमारा देखो F हो गया, F क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। अब बेटा हम अप्लाई करेंगे यूलर्स इक्वेशन। तो देखो यूलर्स इक्वेशन क्या है, या यूलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन एक ही बात है। यूलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर जीरो, ये अपनी यूलर्स इक्वेशन होती है। एक्चुअली इससे हमें नेसेसरी कंडीशन मिलती है, तो नेसेसरी में अगर एक ही इक्वेशन मिलेगी तो समझ लेंगे उसी पर होगा मिनिमम या मैक्सिमम। क्योंकि अगर हम भाई नेसेसरी में अगर हमें दो तीन चीज़ें मिलें, नहीं बताता हूँ परेशान में, तो इस बात का मेरी क्या मतलब हो सकता है, तुम समझ ना रहे हो, अभी मैं समझाता हूं। जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे एक ही आपको इक्वेशन मिलेगी, एक ही कर्व मिलेगा। जब आपको एक ही कर्व मिलेगा तो आप समझ जाओगे इसी पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, है ना। अगर दो या तीन कर्व मिलते तो कंफ्यूजन होता कि पता नहीं किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है। तो इसीलिए कई बार यूलर्स एक्चुअली नेसेसरी कंडीशन देता है, लेकिन इसी से सफिशियंट भी मिल जाता है क्योंकि वो एक ही इक्वेशन देता है, है ना। जैसे कि मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर आपके पास है, अगर हम डी वाई डी एस करें तो डी वाई डी एस क्या आएगा 2x, और अगर हम डी वाई डी एस को जीरो कर दें तो 2x की वैल्यू जीरो हो गई, तो x बराबर जीरो। देखो एक ही पॉइंट मिला, अब अगर ये मिनिमम होगा तो इसी पॉइंट पर ही होगा, एक ही पॉइंट पर मिलेगा। अगर यहाँ से दो या तीन पॉइंट्स मिलते तो कन्फ्यूजन होता, पता नहीं किस पर मिनिमम है किस पर मैक्सिमम है। तो इसलिए जो पॉइंट मिला उस पर ही है मिनिमम होता, हम जानते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ये ऐसे होता ना, ये देखो इसी पॉइंट पर एक्स बराबर जीरो पर मिनिमम वैल्यू है इसकी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि भाई यही कंडीशन जो है कई बार जो नेसेसरी निकालते हैं वो अपने आप में कई बार सफिशियंट बन जाती है क्योंकि एक ही इक्वेशन मिलती है इसीलिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें y डैश के रिस्पेक्ट में, ये निकालें तो क्या होगा। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन रूट है, रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस, और इसको फिर से करना पड़ेगा तो जीरो, और ये क्या हो जाएगा 2y डैश हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, है ना, ये मिल गया। अब इसका x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब इसमें x का तो टर्म आ ही नहीं रहा, तो x का टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा पूरा, है ना। बोलो भाई उसमें x का टर्म आ नहीं रहा तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालें, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बच्चों क्या होगा, क्योंकि देखो इसमें y का टर्म भी नहीं आ रहा, अब अगर y का टर्म नहीं आ रहा तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, बात समझे ना। तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो, और माइनस इसकी वैल्यू देखो यहां पर ये है, तो इसकी वैल्यू बच्चों यहां पर देखो ये आई है,
और ये वैल्यू यहाँ पर हमने ऐसे करके देखो लिख दी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड देखो, ध्यान दो, एक्चुअली ये टोटल डिफरेंशिएशन है बेटा, ये पार्शियल नहीं, ये टोटल है। तो अगर ये टोटल है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। पार्शियल में ऐसा है ना कि जो वेरिएबल नहीं है उसको जीरो मान लें, उसका डिफरेंशिएशन जीरो मान लें, वो पार्शियल में ना, ये एक्चुअली टोटल डिफरेंशिएशन। तो जब ये टोटल डिफरेंशिएशन है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर निकलेगी, ध्यान रखना। मैं यहाँ खड़ा था तो मुझे ऐसे करके दिखा, तो मुझे ऐसे पार्शियल दिखा वो, ठीक है, ध्यान रखना। ये टोटल है, तो टोटल है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर निकलेगी। पार्शियल में दूसरे वेरिएबल को जीरो मानते हैं, टोटल में नहीं, समझे भाई। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और अगर आप टोटल डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, मान लो इनटू y भी है, तो आप y को वेरिएबल लेके चलते हो। लेकिन अगर आप पार्शियल करोगे तो दूसरा वेरिएबल के को हमेशा कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, है ना, ये बात आपको मालूम, बताई मैंने पहले भी यहाँ भी कई बार, तो इसमें जरा ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल डिफरेंशिएशन है तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिलेगी, है ना, ये यहाँ पर निकालेंगे। तो हाँ, वाई की रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, अब ये एफ है, इसमें वाई नहीं है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है, तो अगर हम इसको रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाई का टर्म नहीं है, बात समझे ना, टोटल कर रहा है तो वैल्यू कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, लिखो जरा ध्यान से। तो देखो बच्चों, यहां से क्या हुआ कि हमने इसमें वैल्यू पुट की, इसमें वैल्यू पुट की, अब देखो यहां से हमें ये मिला, हमें यहां से क्या मिला, दिस डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो मिला। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन दिमाग से सोचिए, कई बार यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, कई बार थोड़ा टफ यूज भी होता है, आगे बताएंगे आपको भी, खैर इसमें तो ईजी है कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब ये जो टर्म है ये अपना कांस्टेंट होगा, ये टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इस टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो है, जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो है इसका मतलब ये टर्म कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बस समझे। तो यहां तक हम पहुंच गए, अब हम इसको सॉल्व करके एक्चुअली यहां से वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, यही हमेशा करते हैं। लैग्रांजेस अपने यूलर्स इक्वेशन से हमको y की वैल्यू मिलती है, लैग्रांजेस, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन से हमको हमेशा बेटा y की वैल्यू मिलती है, ठीक है, लिखो जरा ध्यान से। अच्छा, अब देखो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, वाई डैश का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर उठ जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वाई डैश एक तरफ ले आएंगे तो क्या हुआ, बोलो y डैश का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, y डैश स्क्वायर जो है एक तरफ लाके कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो y डैश का स्क्वायर क्या हो गया, बोलो c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से बेटा, अगर हम y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y डैश बराबर क्या होगा, इधर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, ये अपना वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां पर बच्चों, ठीक है ना, ये देखो अपनी वाई डैश की बेटा वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा यहां पर कि ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसको एक नया कांस्टेंट सी वन मान लिया जाए, है ना, ये सब कुछ कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का अंडर रूट भी कांस्टेंट ही होगा, है ना, ये सब कुछ कांस्टेंट, उसको नया कांस्टेंट हमने देखो यहाँ पर एक सीवन मान लिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, वाई डैश का मतलब क्या होगा, डी वाई वाई डी एक्स बराबर सीवन, ठीक है, वाई डैश का मतलब क्या होता बच्चों, डी वाई वाई डी एक्स होता है। अब फिर देखो वही डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम करते ना वेरिएबल सेपरेबल, ऐसे इंटीग्रेट कर दूं तो क्या होगा, y बराबर इधर क्या होगा c1 x plus c2, तो
देखो ये क्या आ गया, जो y की वैल्यू आ गई एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो मतलब हम अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेंगे, जैसे एक पॉइंट था हमारा x नॉट y नॉट और ये पॉइंट क्या था बोलो x1 y1, इसका मतलब अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेंगे जो कि यहां से मिल रही है, तो हमें कर्व की लेंथ लीस्ट मिलेगी। मतलब यहां से यही मिलता है कि किस फंक्शन के अलोंग आप चलेंगे जिससे कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा, एक्सट्रीम मिलेगा कह दो। और यहां पर हम मिनिमम चाहते थे तो मिनिमम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मिलेगा, वो हमको पहले से समझ में आ रहा था, लेकिन प्रूफ जो करना था। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का, तो अभी हम लोग इसमें और अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और यहां पर जरा एक बात और भी ध्यान रखना कि देखो हमने यहां पर जो एफ फंक्शन लिया था ना एफ, उसमें अकेला वाई डैश था, अकेला वाई डैश। तो जब एफ फंक्शन में, ये अपने आप में एक स्पेशल केस होता है, मतलब स्पेशल केस क्या मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, किसी में खाली वाई होता है, किसी में वाई और वाई डैश होता है, किसी में खाली वाई डैश होता है, इसमें खाली वाई डैश था। तो जब भी खाली वाई डैश होगा तो क्वेश्चन हमेशा इसी मेथड से किया जाएगा। कई किताबें क्या करती ना, इनको लेकर अलग अलग फार्मूले बना देती हैं, अगर आप उन फार्मूले में पढ़ोगे तो कभी सवाल कर नहीं पाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। हाँ, एक केस होता है जिसका स्पेशल फार्मूला हम बनाते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा पड़ता है, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। तो खैर यहाँ स्पेशल फार्मूले की जरूरत नहीं है, यूलर्स लैग्रांजियन इक्वेशन लगाओ और उससे ही आपका आंसर मिलेगा। तो इसमें एफ में खाली वाई डैश था, ध्यान रखना। तो जब एफ में खाली वाई डैश होता है तो यहाँ पर ये चीज हमेशा होती ही होती है। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से यहाँ पर, है ना। जब f में खाली y डैश होगा तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन इसी मेथड से आपको करना होगा, ये बात ध्यान रखना। और भी ऐसे कई क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो मैं आपको बेटा हर टाइप का, हर वैरायटी का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। और यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन ही ज़्यादा है, ध्यान रखना। मतलब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जैसे आप प्योर मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है अपना कि थिंकिंग ज़्यादा है, लॉजिक ज़्यादा है, मैथ्स का मैं यहाँ ज़्यादा मैथ्स है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, फिर हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से करेंगे, सब कुछ समझ करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।